नमस्कार मेरे प्यार साथियों, फार्मा संसार में आपका स्वागत है। दोस्तों, फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए टेस्ट सीरीज़ जो पार्ट टू आपका आ चुका है, इसमें आपके फार्मासिस्ट के लिए प्रिपरेशन के लिए 10 क्वेश्चन रहेंगे। आप अपना टेस्ट लगा सकते हो, देख सकते हो कि आपके कितने करेक्ट आंसर हैं, और उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपके कितने करेक्ट हैं। तो ये जो है इसमें मिक्स है, 2016 एग्ज़ाम पेपर से भी कुछ क्वेश्चन उठाए गए हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं, और आईडी के किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी आपके इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आर वेल फर्स्ट क्वेश्चन इज बेंजलकोनियम क्लोराइड इज यूज्ड इन एलपीवी इन कंसंट्रेशन ऑफ। तो इसके लिए क्या कंसंट्रेशन रहती है बेंजलकोनियम क्लोराइड की, ऑप्थेल्मिक में इस्तेमाल किया जाता है ये 0.01%, 0.2%, 0.002% या फिर 0.02%। तो बेंजलकोनियम क्लोराइड इस्तेमाल किया जाता है 0. कौन सी कंसंट्रेशन में, ये आप अपना टेस्ट में लगा लें। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 0.01%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ फॉलोइंग ड्रग बाइंड टू एल्ब्यूमिन। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी ड्रग जो है बाइंड करती है एल्ब्यूमिन के साथ। वेरापामिल, पेंसिलिन, लिडोकेन, प्रोपेनानोल। तो जो इसका सही जवाब है पेंसिलिन। देखिए, जो पेंसिलिन है सबसे ज़्यादा बाइंड करती, 60% जो है ये बाइंड करती है एल्बुमिन के साथ, ठीक है। तो ब्लड के जो प्रोटीन एल्बुमिन है उसके साथ ये बाइंड करती है। तो जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ये जो है 2016 एग्ज़ाम पेपर फार्मासिस्ट के उससे लिए गए क्वेश्चन हैं, उसमें ये क्वेश्चन उसमें भी पूछे गए थे। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ प्रो ड्रग, इनमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि एक प्रो ड्रग है। डोपामाइन, एनालप्रिल, एम्पिसिलिन और इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही जवाब है इसमें जो प्रो ड्रग है वो यहाँ पर एनालप्रिल है। तो देखिए, यहाँ पर अगर लिवोडोपा होता तो ये वहाँ पर प्रोडक्ट लिवोडोपा भी होता है क्योंकि वो डोपामिन में कन्वर्ट हो जाती है। एनालप्रिल जो है वो आपकी एनालप्रिलिट में कन्वर्ट होती है तो एक्ट करती है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसके लिए सही जवाब होगा। पाउडर्स आर ड्राई, ड्राई पाउडर्स हैं वो फाइनली डिवाइडेड ड्रग्स हैं। केमिकल्स हैं, वो ड्रग हैं, केमिकल्स हैं, वो इंटेंडेड किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। अगर वो पाउडर हैं, वो उसमें केमिकल्स भी है, ड्रग है, केमिकली वो ड्रग है, तो उसके किसके लिए इस्तेमाल होंगे। ऑप्शन नंबर 1 एक्सटर्नल यूज़, इंटरनल यूज़, टॉपिकल यूज़ और इनमें से सभी। तो जो हमारे पाउडर्स हैं वो हम मेडिकेशन फॉर्म में भी लेते हैं, तो वो हमारे पास होंगे सभी, टॉपिकल यूज़ के लिए भी, इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़ के लिए भी। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्प्लांट्स आर, तो ऑप्शंस आर हाइपोडर्मिक टैबलेट्स, हाइपोडर्मिक टैबलेट्स, ट्रांसपेरेंट टैबलेट्स या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो इम्प्लांट्स होते हैं कट, ये जो होती हैं, आपने इसका सही जवाब लगा लिया होगा, आप इसे पोज करके लगा सकते हो अपना सही जवाब। इम्प्लांट जो होते हैं हमारे पास हाइपोडर्मिक टैबलेट्स होती हैं जिनको हम कट लगा करके फिर उनको इम्प्लांट करते हैं, स्किन के नीचे रखते हैं, तो इस तरह से ली जाती हैं। तो इसके लिए जो है हाइपोडर्मिक टैबलेट्स होते हैं इम्प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज ट्रू फॉर सेरेसिस, तो पिसेरेसिस के लिए इसमें से क्या सही है। तो ये कॉनिकल वैज शेप और रोड शेप के होते हैं, राउंड ओवल और रोड शेप के होते हैं, रोड सिलेंड्रिकल और राउंड शेप के होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। जो पिसेरेसिस होती है, पिसेरेस होते हैं, ये कॉनिकल वैजेस शेप और रोड शेप के होते हैं हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट फॉर दिस क्वेश्चन। इंसुफ्लेशंस आर, जो इंसुफ्लेशंस होते हैं क्वेश्चंस में देखते हैं ऑप्शन किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है। डस्टिंग पाउडर्स होते हैं, मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर्स होते हैं, नॉन मेडिकेटेड पाउडर्स होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो डस्टिंग पाउडर होते हैं वो मेडिकेटेड भी होते हैं, सर्जिकल भी होते हैं, लेकिन इंसुफ्लेशन जो होते हैं वो मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्नफ्स आर एंटीसेप्टिक, ब्रोंकोडायलेटर, नेजल डिकंजेशंस या इनमें से सभी। तो जो स्नफ्स होते हैं वो आपके एंटीसेप्टिक, ब्रोंकोडायलेटर और नेजल डिकंजेशन तीनों होते हैं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स, तो ऑप्शंस हीट मेथड,
वेट मेथड, वन एंड टू बोथ, या नन ऑफ अबव। तो जो अगर एफर्वेसेंट ग्रेन्यूल्स बनाने होते हैं तो उसमें जो मेथड यूज होता है वो मेथड होता है हीट मेथड और वेट मेथड, दोनों मेथड से वो एफर्वेसेंट ग्रेन्यूल्स बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल ऑफ मोनोफेजिक लिक्विडोसिस फॉर्म इज, इसमें से आपको बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन ये आसान है इसलिए हम इनको ज़्यादा गौर नहीं करते हो और इसी में हमारे जो है मार्क्स हम कंफ्यूज हो जाते हैं और मार्क्स कट जाते हैं। एग्जांपल ऑफ मोनोफेजिक लिक्विडोसिस फॉर्म इज, मोनो सिंगल फेज का कौन सा है, इमल्शन, सस्पेंशन, लोशन या फिर ये सभी ऊपर वाले। तो जो हमारे पास मोनोफेजिक लिक्विडोसिस फॉर्म है वो हमारे पास यहाँ पर है ऑप्शन नंबर थर्ड, लोशन। तो यह आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसके आपके प्रिपरेशन जो है साथ साथ जारी रह रही हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो और चैनल पर नए हो, फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैनल पर बने रहें।